वॉकआउट इनका बॉयकॉट किया इसलिए कि गुमराह करने का कोशिश अभी भी करते जा रहे हैं, खाली मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया जा रहे हैं, क्या करे, बिना लापरवाही से हुआ स्वीकार करे, जो सच्चा है सच बताए, फिर इधर उधर घुमा फिरा के दिल्ली से नहीं बाहर से, वो कह रहे थे कि दिल्ली के जिस इलाके में दंगा हुई वो बराबर क्या वो दंगा होते थे, उन्होंने बात रखा कि दिल्ली के जो इलाके में दंगा हुई वहाँ बराबर दंगा होते थे, वहाँ वेपन के कारोबार होते थे, ये क्या है कि वहाँ अगर था तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी इतना दिन तक, तुम्हें भनक क्यों नहीं लगे, ये सारे गुमराह करने की भाषण क्यों दे रहे हो, तुम असली बात पे चर्चा नहीं करते, सबसे पहले तुम्हें अपना दोष स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, सारे लोग कहते हैं लाखों की तादाद में लोग सारे हिंदुस्तान के लोग यही कहते हैं, इतने वीडियो फुटेज इतने सारे टीवी मीडिया सारे कुछ दिखा दिए हैं, किसकी गलती से हुई, कम से कम तुम ये कह सकते थे कि हमारा गलती से हुई है फिर भी दोबारा ना हो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, तब ये माना जाता, लेकिन क्या बात हो रहे है, कोई उन अपने बात रखने के समय कभी अपना गलतियाँ को स्वीकार नहीं करते, तो इस तरीके की भड़काव वाले मतलब इस तरीके की मिसलीडिंग गुमराह करने की भाषण सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, इसलिए हम बॉयकॉट किए, नॉट वॉकआउट, उनको बॉयकॉट किए, अभी भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं क्या पेचम का, हम लोग तो पहले ही दे दिया उनको, उनको इस्तीफा लिखित रूप में दिया कि आपसे हम इस्तीफा मांगते हैं, रेजिग्नेशन मांगते हैं, एक बार नहीं 100 बार किया, हमारा नेत्री मैडम सोनिया गांधी वो भी कही कि राष्ट्रपति भवन जाकर कही, सदन के अंदर हम लोग कही, और दोबारा कैसे कहूँ, लेकिन इन इन लोगों के अब भी सारे चीज़ को गुमराह करने की वो कवायद वो जारी रखा, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गृह मंत्री अपना गफिलत अपना गलती तो कम से कम स्वीकारे, अपना गफलत तो स्वीकारे, कम से कम अपना लापरवाही तो स्वीकारे, सारे सदन में विपक्ष के सारे नेता ये कहा कि लापरवाही से हुई है, लेकिन उनको कहना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस के हम खिलाफ नहीं है, दिल्ली पुलिस को अपने ढंग से जो काम करने नहीं दिया हम उनके खिलाफ है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ हम नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस को अपने अपने ढंग से जो काम करने नहीं दिया हम उनके खिलाफ हूँ, अगर दिल्ली पुलिस की अपनी अपनी तरीके से सब कुछ छोड़ दिया जाता तो आसानी से सब कुछ संभाल लेते, यह भरोसा हमारा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारा मॉडल पुलिस है, सारे हिंदुस्तान में मॉडल पुलिस होता है दिल्ली पुलिस, इनके पास सारे साधन है, अगर इनके पास नहीं है तो बाहर से पैरामिलिट्री आर्मी सब बुला सकते थे, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 20 लाख लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी ये दंगा हुई, तो तुम्हारी सिर्फ 20 लाख लोगों की जो इलाका है वहाँ तुम दंगा क्यों ना संभाल ले पाए, क्यों क्यों ये किसका गलती है, सारे दिल्ली में हो जाए तो अलग बात थे, सिर्फ 20 लाख आबादी के अंदर रहने वाला को जो एरिया है उसमें अगर हुआ तो वो तुम संभालने नहीं क्यों सका, किसका गफिलती किसका ये गलती है किसका गफलत है, ये कुछ नहीं सिखाएगा, इसलिए हम लोग देखा कि सिर्फ रहना और नहीं रहना बेकार समान है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करके बॉयकॉट कर दिया बस।